हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मई 2020 यानी कि 19 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आप इस वीडियो का PDF फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट वूमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ केरला, यानी कि फर्स्ट वूमेन DGP केरला की कौन बनी है? तो ये बनी है आर श्री लेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एज चेयरमैन एंड MD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो कि दिल्ली बेस्ड है, उसके जो चेयरमैन हैं एंड MD हैं वो कौन अपॉइंट यानी कि कौन सिलेक्ट किए गए हैं बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा? तो इसका आंसर है SN राजेश्वरी, यानी कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन एंड MD सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर में इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं, इंडिया के जो राजदूत के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है पेरिया सेमी कुमारन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्कोस ट्रोयोजो, जो कि ब्राज़ील से हैं। इससे पहले KV कामत थे जो कि इंडिया थे, अब उनका टर्म समाप्त हो रहा है, तो अब मार्कोस ट्रोयोजो हैं जो कि जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर लेसोथो के, कार्मेन हेरमार्ट बनी है चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की, और त्साई इंग्वेन बनी है प्रेसिडेंट सेकंड टाइम ताइवान की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ टीम्ड अप विद मास्टर कार्ड टू डेवलप कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन फार्मर्स एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन ए बिड टू पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन अनबैंक एंड अंडर बैंक्ड रीजन्स, यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बैंक नहीं है या फिर अच्छे से बैंक की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर जितने भी किसान हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको फाइनेंशियली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराई जाएँ, उसके लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ, किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ टाइप किया है? तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ लॉन्च्ड EKYC सर्विसेज ऑन स्टार MF प्लेटफॉर्म, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी सुविधा के लिए EKYC सर्विस जो है वो किस स्टॉक एक्सचेंज ने स्टार MF प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की है? तो इसका आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि BSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया जॉइंड हैंड्स विद विच बैंक टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम्स टू इट्स कस्टमर्स, यानी कि मारुति सुजुकी जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने किस बैंक के साथ हाथ मिलाए हैं जिससे कि रिटेल फाइनेंसिंग जो स्कीम्स हैं अपने कस्टमर्स को वो प्रोवाइड करवाई जा सके? तो इसका आंसर है ICICI बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ अटेंडेड द स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक मीटिंग हुई थी स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, तो इसको
इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया है, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी ये मीटिंग, और न्यू दिल्ली में हुई, न्यू दिल्ली में किस यूनियन मिनिस्टर ने इसे अटेंड किया है? तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ स्माइली रीयूजेबल मास्क, यानी कि किस कंपनी ने स्माइली रीयूजेबल यानी कि बार बार यूज़ होने वाले मास्क जो हैं वो लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं शिवा टैक्सी यार ने, जो कि एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट हैज़ अनवेल्ड बाय यूरोपियन यूनियन एज इकोनॉमी रेस्क्यू प्लान, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने इकोनॉमी रेस्क्यू प्लान के तौर पर कितना अमाउंट जो है वो अप्रूव किया है? तो ये किया है 750 बिलियन पाउंड, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंपनीज हैं कोविड 19 की, कितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कोविड 19 की वजह से अफेक्ट हुई हैं, उन सबको ठीक करने के लिए, इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए ये अमाउंट जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय जापान टू कॉम्बैट कोविड 19 पेंडेमिक पेन, यानी कि जापान कंट्री के द्वारा कितना अमाउंट जो है वो अप्रूव किया गया है अपनी कंट्री के लिए, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को है पहले जैसा किया जा सके, जो भी कोविड 19 की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें ठीक किया जा सके? तो ये किया है $1.1 ट्रिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इतने अमाउंट का जो पैकेज है वो जापान कंट्री ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लीगलाइज्ड द सेम सेक्स मैरिज, यानी कि अभी हाल ही में किस देश ने सेम सेक्स मैरिज यानी कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज्ड कर दिया है अपनी कंट्री में? तो इसका आंसर है कोस्टारिका। तो ये थे आज के यानी कि 29 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने वो सभी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।